नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। गौतम गंभीर के केयर में आ चुके हैं। ये बड़ा फैसला किंग खान ने ले लिया है। किंग खान ने गौतम गंभीर को लेकर एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा त्रुप का इक्का चल दिया है, बहुत बड़ा दाव चल दिया है। लेकिन अब खबर ये है कि गौतम गंभीर आएंगे तो केकेआर में कौन कौन से बदलाव होंगे, केकेआर में अब क्या क्या बदलने वाला है, केकेआर के खिलाड़ी को अब क्या क्या करना पड़ेगा, केकेआर की प्लेइंग 11 किस तरीके से सेलेक्ट होगी, केकेआर के खिलाड़ियों को किस तरीके से किस नंबर पर खिलाया जाएगा, ये तमाम तरीके की अब बातें जो है वो शुरू हो गई हैं। गौतम गंभीर को देखिए, साफ बात है, गौतम गंभीर आएंगे तो एकदम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव केकेआर में होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव केकेआर में होंगे गौतम गंभीर के आने के बाद। लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद जो सबसे बड़े तीन फैसले होंगे, जिन तीन बदलावों की चर्चा इस वक्त शुरू हो गई है गौतम गंभीर के आने के बाद, सबसे पहला जो बदलाव होगा वो ये होगा कि भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। भारतीय मतलब केकेआर की प्लेइंग 11 में अब आपको भारतीय खिलाड़ी ज्यादा नजर आएंगे, केवल चार विदेशी खिलाड़ी ही आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि तीन ही विदेशी खिलाड़ी नजर आए, और आपको मतलब आठ खिलाड़ी की एक अब वैसा भी खिलाड़ी होने लगा है, 12 खिलाड़ी होने लगे हैं, तो आठ खिलाड़ी आपको हो सकता है कि आपको भारतीय नजर आए और तीन खिलाड़ी विदेशी नजर आए, ऐसा हो सकता है क्योंकि गौतम गंभीर भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ऐसे में केकेआर की प्लेइंग 11 में अब यह बदलाव आपको नजर आएगा कि विदेशी खिलाड़ियों पर कम भरोसा किया जाएगा और भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव होने वाला है वो ये होने वाला है कि केकेआर की प्लेइंग 11 में अब स्पिनर्स की भूमिका ज्यादा होगी, क्योंकि गौतम गंभीर के वक्त में भी केकेआर के खेमे में स्पिनर्स की और ऑलराउंडर्स की भूमिका ज्यादा होती थी। जैसे उस वक्त आप सुनील नरेन की बात कर लीजिए, शाकिब की बात कर लीजिए, पीयूष चावला थे, उसके बाद में यूसुफ पठान हुआ करते थे, ये तमाम खिलाड़ी जो थे वो स्पिन गेंदबाजी के तौर पर शामिल थे। ऐसे में गौतम गंभीर आएंगे तो देखिए वरुण चक्रवर्ती तो ही है, सुयश शर्मा भी है। अब गौतम गंभीर क्या करेंगे, गौतम गंभीर के आने के बाद नीतीश राणा को गेंदबाजी करनी पड़ेगी, श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और इन दोनों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गौतम गंभीर के आने के बाद नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर को अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गौतम गंभीर इनसे गेंदबाजी करवाएंगे। गौतम गंभीर ऐसा नहीं है कि भाई साहब क्या आप केवल बल्लेबाजी करोगे, अब इनको भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। गौतम गंभीर के आने के बाद यह बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केकेआर में 100% आप श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा को ऊपरी क्रम पर गेंदबाजी करते देखेंगे, रिंकू सिंह को भी आप गेंदबाजी करते देखेंगे। मतलब साफ है कि गेंदबाजी के केकेआर में अब 8-9 ऑप्शंस हो जाएंगे, और कप्तान के पास अगर 8-9 ऑप्शंस गेंदबाजी के होते हैं तो आपके पास विकल्प होता है, आपके पास विपक्षी टीम को हराने का ज्यादा चांस होता है। गौतम गंभीर का यह प्लान होगा कि केकेआर की प्लेइंग 11 में इस तरीके का बदलाव किया जाए कि उनके पास 8-9 गेंदबाजी के ऑप्शंस हो। उसके बाद में जो गौतम गंभीर का तीसरा प्लान होगा, जो तीसरा सबसे बड़ी चर्चा है जिस बात की, वो ये है कि बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गौतम गंभीर बनाएंगे। अब वेंकटेश अय्यर है, उनके साथ कौन दूसरा भारतीय आएगा, विदेशी होगा, कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि गौतम गंभीर जो है वो आते ही एक किसी भारतीय खिलाड़ी पर दाव लगा दें, किसी भारतीय खिलाड़ी पर को मतलब खेमे में शामिल कर लें। देवदत्त पड्डीकल का नाम चल रहा है, हो सकता है कि पृथ्वी शो को दिल्ली कैपिटल से खींच लें, दीपक हुड्डा को हो सकता है कि लखनऊ से खींच लें। ऐसा गौतम गंभीर आते ही अब देखिए बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े फैसले लेंगे। हो सकता है, देखिए हो सकता है गौतम गंभीर के आने के बाद शुभमन गिल वापस आ जाए, कि शुभमन गिल उस वक्त केकेआर में थे, आप लोगों को याद होगा शुभमन गिल के करियर की शुरुआत गौतम गंभीर ने करवाई थी, ये भी आप लोगों को याद होगा, उस वक्त केकेआर के कप्तान थे गौतम गंभीर। तो ये चीजें याद करनी पड़ेगी। गौतम गंभीर के होने के बाद मतलब बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, खास तौर पर प्लेइंग 11 में आपको गौतम गंभीर के आने के बाद बदलाव नजर आएंगे। भारतीय खिलाड़ी ज्यादा नजर आएंगे, विदेशी खिलाड़ी कम नजर आएंगे, ये गौतम गंभीर के बाद आपको नजर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ऊपरी क्रम के बल्लेबाज भी गेंदबाजी करते नजर आएंगे। तो आपका गौतम गंभीर के इन बदलावों को लेकर क्या कहना, क्या आपको लगता है कि वास्तव में केकेआर अब तूफानी हो जाएगी, अब केकेआर की टीम और भी मजबूत हो जाएगी, गंभीर के आने के बाद केकेआर के अंदर वो मनोबल आएगा कि हां हम भी चैंपियन बन सकते हैं, जीत सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।